तो देखो भाई लोग, इंडिया में एसयूवी कारों की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है और एसयूवी कारों के साथ सेवन सीटर कारों की भी बिक्री अच्छी खासी हो जाती है। बहुत जल्दी बहुत सारी कार कंपनियां कुछ सेवन सीटर कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 सेवन सीटर कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। अगर आपको किसी अपकमिंग सेवन सीटर कार का इंतजार है तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। जो सबसे पहली कार आती है जिसको बहुत जल्दी निसान की तरफ से लॉन्च किया जाएगा वो है एक्सट्रेल। रिसेंटली निसान कंपनी ने 3 न्यू एसयूवी कारों को इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया था और एक्सट्रेल उनमें से एक कार है। निसान कंपनी इन तीनों कारों में से सबसे पहले एक्सट्रेल को ही लॉन्च करेगी और इस कार की टेस्टिंग फिलहाल के लिए चल रही है। ये कार इंडियन मार्केट में कम्पीट करेगी टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। हालांकि इसको फॉर्च्यूनर के सेगमेंट के अंदर उतारा जाएगा क्योंकि इस कार के डायमेंशन काफी बड़े है और इस कार के अंदर आपको फॉर्च्यूनर से भी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली ये कार आने वाले समय में फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन इस कार के अंदर निसान कंपनी 2.0 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दे सकती है जिसके तहत आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट मिल जाएगी। इस कार को फेबर 2023 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 40 लाख रुपीस बताई जा रही है। आपके हिसाब से इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको महिंद्रा कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी वो है बोलेरो नियो प्लस। आज के डेट में बोलेरो बिक रही है, इसके अलावा बोलेरो नियो बिक रही है, लेकिन बहुत जल्दी बोलेरो नियो का अपग्रेडेड वर्जन बोलेरो नियो प्लस नाम से लॉन्च हो जाएगा। इसके डायमेंशंस बढ़ाए जाएंगे, इसके इंटीरियर के फीचर्स को अपग्रेड किया जाएगा, इसके एक्सटीरियर में भी आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। शायद महिंद्रा कंपनी इसके इंजन स्पेक में कोई भी चेंजेस नहीं करेगी, लेकिन जो मेजर चेंजेस आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे वो रहेंगे डायमेंशंस के अंदर, एक्सटीरियर लुक के अंदर और इंटीरियर के अंदर। इन सभी चेंजेस के साथ बोलेरो नियो प्लस इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है और इस कार को ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा सकता है। उसके बाद ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। और रही बात इस कार की कीमत की, तो इस कार की कीमत बोलेरो नियो के मुकाबले लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। जो थर्ड नंबर की सेवन सीटर कार आती है जो कि हुंडई की तरफ से इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है वो है स्टारगेजर। ये हुंडई की अपकमिंग MPV कार होने वाली है और इस कार की पोजिशन अल्केजर के नीचे रहेगी और इस कार के अंदर भी काफी बेहतरीन फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करेगी अर्टिगा के साथ, रेनॉल्ट काइगर के साथ और बाकी MPV कारों के साथ इसका मुकाबला होने वाला है। तो डेफिनेटली ये कार MPV सेगमेंट के अंदर आग ही लगा देगी, लेकिन टोटली डिपेंड करता है इसके फीचर्स के ऊपर, इसके लुक के ऊपर, इसके प्राइसिंग के ऊपर। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में मॉडल लॉन्च किया गया है स्टारगेजर का, उसका एक्सटीरियर लुक बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया है। आपको इसका एक्सटीरियर लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। शायद इंडियन मॉडल का लुक थोड़ा सा अलग रह सकता है, हुंडई कंपनी इसके एक्सटीरियर में चेंजेस कर सकती है। ये सब कुछ चीजें हमें ऑटो एक्सपो में पता चल जाएंगी क्योंकि हुंडई कंपनी इस कार को 2023 के ऑटो एक्सपो में शोकेस करने वाली है और दिल्ली में जनवरी के महीने में ऑटो एक्सपो होने वाला है जहां पर बहुत सारी कार कंपनियां न्यू कारों को लॉन्च करेगी और कुछ कारों को शोकेस किया जाएगा और ऑटो एक्सपो को मैं डेफिनेटली कवर करने वाला हूं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। और ऑटो एक्सपो में हुंडई कंपनी स्टारगेजर को शोकेस करेगी, उसके बाद इस कार को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। रही बात इस कार की कीमत की, तो इस कार की कीमत 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है स्टारगेजर की। लेकिन जो फोर्थ नंबर की और फिफ्थ नंबर की कार आती है, इनका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, वो है टाटा की सफारी और दूसरी है MG हेक्टर प्लस का फेसलिफ्ट मॉडल। आज के डेट में टाटा सफारी बिक रही है, MG हेक्टर प्लस का सेवन सीटर मॉडल बिक रहा है, तो दोनों ही कारों का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं सफारी के बारे में। सफारी के अंदर काफी बड़े बड़े अपडेट्स करे जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सफारी के अंदर एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलने वाला है, आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, इंटीरियर कम्प्लीटली नया रहेगा और एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस करे जाएंगे। इसके अलावा MG हेक्टर फेसलिफ्ट के अंदर भी आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा और हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद सफारी का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। दोनों ही कारों के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको काफी बड़े अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये 5 सेवन सीटर कारें थी जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। इनमें से मेजोरिटी ऑफ कारों को जनवरी के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जाएगा, उसके बाद ये कारें इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। इनमें से किस कार का आप वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छे सेवन सीटर कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।